सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। भारत वालों कनेडियन राजदूत नूं तलब किए जाने तो कुछ घंटिया बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली च कनेडियन दूतघर ने अपने स्थानक कर्मचारियों नूं जवाबी कार्रवाई च मार छड्डन लई कह दिता है। सूत्रों ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि राष्ट्रीय राजधानी च कनेडियन दूतघर दोपहर 2 बजे तों बाद बंद कर दिता गया सी। सूत्रों मुताबिक दूतघर च काम कर रहे स्थानक कर्मचारियों नूं चल रहे कूटनीतिक तनाव के मद्देनजर तुरंत इमारत खाली करने लई कहा गया। हालांकि जदों कनेडियन दूतघर के अधिकारियों नाल संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने तों इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू ते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दे उन्हां दावे नूं सिरे तों खारिज किया है कि खालिस्तानी आगू हरदीप सिंह निज्जर दे कतल विच भारत दा हाथ सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कतल कनेडा दे सरी से गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहब दे प्रबंधक अंदरली गुटबाजी दा नतीजा। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रूडो बदकिस्मती नाल वोट बैंक की राजनीति दे जाल च फस गए ने ते उन्होंने भारत ते कनेडा दे कूटनीतिक संबंधां नूं दांव ते ला दित्ता। कैप्टन ने कहा कि किसी देश दे प्रधानमंत्री लई बिना किसी सबूत दे बयान देना बहुत ही गैर जिम्मेवार। पंजाब भाजपा के प्रधान के साबका सांसद सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान पंजाब में निशाना बनाने लिए नशियां की वरतों कर रहा उसी तरह कनेडा साडे देश की शांति को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे अंसरां नूं पनाह दिता है। जाखड़ ने सूबा कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली दल सूबे दी सारियां पार्टियों ने एकजुट होकर पंजाब नाल जुड़े इस मुद्दे से भारत सरकार की हिमायत विच ते कनेडा सरकार की दखल अंदाजी विरुद्ध एक सुर विच बोलन का सद्दा दिता है। हरियाणा पंजाब ते नवी दिल्ली दे यात्रियों लई वड्डी राहत की खबर है। रेलवे ने नवी दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा विचकार गर्मियां दी स्पैशल ट्रेनां दीयां चार यात्रावां वधा दित्तियां ने। वधदी भीड़ नूं देखदे रेलवे ने फैसला लिया। वधदी भीड़ विचाले रेलवे ने माता राणी दे श्रद्धालुआं लई भी वड्डा तोहफा दित्ता। हालांकि इन्हां ट्रेनां दे सफर 29 सितंबर तों शुरू होणगे। ट्रेन नंबर 04071 नवी दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा नवी दिल्ली गतिशक्ति स्पैशल ट्रेन नवी दिल्ली तों 29 सितंबर नूं रात 11:30 बजे रवाना होगी ते अगले दिन सवेरे 11:25 ते श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। कानपुर च बच्चे नूं बैठकां कढ़ाउण ते अध्यापक दी कुटमार दा मामला सामने आया। इत्थे हनुमत विहार स्थित साउथ सिटी पब्लिक स्कूल च टीचर ने बच्चों नूं बैठकां कढ़न दी सजा दित्ती है। बच्चे ने गल अपनी मां नूं दसी ते फिर फोन ते अपने पिता नूं दसी। इस तों बाद गुस्से च आया पिता अपने दोस्तां नाल स्कूल पहुंच गया ते अध्यापक दी बेरहमी नाल कुटमार कीती। पिता ने कहा कि उसके पुत नूं मांसपेशियां विच दर्द दी समस्या सी, इसलिए मैं सुन के गुस्से विच आ गया ते उसनूं कुट्टिया। अध्यापक दी शिकायत ते हनुमत विहार पुलिस ने बच्चे दे माता पिता भरा ते अनपछाते व्यक्ति खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में मनुखता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। नोएडा की फल मंडी सब्जी बेचने वाले 3,000 रुपए का कर्जा लेना इतना महंगा पै जाएगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं सी। इस तो बाद उसनु नंगा करके बाजार च परेड की गई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। दसा जा रहा है कि व्यक्ति लसन का 3,000 रुपए का बकाया देना सी। बकाया न देने कारण मंडी में कुछ व्यक्तियों वालों उसकी कुटमार की गई, उसनु नगन करके बाजार च घुमाया गया। इस नाल ही सारा मामला सामने आने बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खालिस्तान के मुद्दे से अलग थलग पई कनेडा की ट्रूडो सरकार ने भारत की रातों रात अपनी ट्रैवल एडवाइजरी बदल दी है। कनेडा सरकार ने अपनी नवी एडवाइजरी च नागरिकों नूं कहा कि वह सुरक्षा कारण करके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा तो गुरेज कर उत्थे अतवाद कर उन्हां दी जान नूं खतरा है। कनेडा की सरकार ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी च भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख नूं शामिल नहीं किया। इस दे नाल ही सरकार ने असाम च भी ना जाने की अपने नागरिकों नूं हदायत की है। इस तों पहलां ट्रूडो सरकार ने पंजाब समेत पूरे भारत च अपने नागरिकों लई एडवाइजरी जारी की। आर्थिक संकट नाल जूझ रही यूके की ऋषि सुनक सरकार ने पैसा हासिल करने लिए वीजा फीस 15 तो लैके 20% तक का वाधा किया। जेकर तुसी विजिटर वीजा, स्टडी वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा लिए अपलाई करना चाहते हो तो तुहानू 4 अक्टूबर के बाद इसके लिए वध पैसे देने पैणगे। कनेडा के अमरीका तो भी वध फीस वसूल रहे हैं। यूके कनेडा के अमरीका वर्गे देश 10 साल के विजिटर वीजे लिए भी साधारण फीस लेंदे ने। कनेडा की वीजा फीस $100 जबकि अमरीका की वीजा फीस $185 है। पर जेकर तुसी यूके का 10 साल का वीजा अपलाई करना तो इसलिए तुहानू लगभग 1,00,000 रुपए अदा करने पड़े। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भुपिंदर सिंह असाल ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने कभी भी हरियाणा की सिख संगत का इंसाफ नहीं किया। श्रोमणी कमेटी भी शुरू तो ही सत्ता से काबज बादल परिवार लंबे समय तो सत्ता में रहने के बावजूद हरियाणा सूबे की सिख कौम को नजरअंदाज करता आ रहा है। हुण जदों सुप्रीम कोर्ट तो मानता मिलने तो बाद हरियाणा सरकार ने सूबे के सिखा हरियाणा कमेटी का तोहफा दिता है। सुखबीर सिंह बादल यह हजम नहीं। नोएडा सिटी सेंटर स्टेशन से कुड़ी ने कथित तौर पर मेट्रो के अगर छाल मार दी। गंभीर रूप में जख्मी है। कुड़ी की उम्र करीब 15 साल है। उसने स्थित जिला हस्पताल जाएगा जितों उसनों दिल्ली के सफदरगंज हस्पताल रैफर कर दिया गया। पुलिस ने बयान कहा है कि कुड़ी के परिवारक मैंबर हस्पताल मौजूद ने। पुलिस ने दसिया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के पिछले कारणों का पता लगाया जा रहा है।
दिल्ली तो चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट उस समय हफड़ा दफड़ी बन गई जो एक यात्री ने एमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। यात्री की इस करतूत से उसनु एयरपोर्ट अधिकारी को सौंप दिया गया। जानकारी मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली तो चेन्नई जा रही थी, एक यात्री ने एमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। इस तो बाद हफड़ा दफड़ी मच गई। यात्री की पछाण मनिकंदर के रूप में हुई। अगे की जांच लई दोषी यात्री को सीएसएफ अधिकारियों को सौंप दिया गया। इंडिगो भी यात्री खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई क्योंकि उसने अपनी ही नहीं सगो दूजे की भी जान जोखम में पाई। भाजपा के राष्ट्रीय बुलारे आरपी सिंह ने एक वीडियो सांझी करके कनेडा के प्रधानमंत्री को तिखे सवाल किए। उन्होंने वीडियो सांझी करते कैप्शन च लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो जिसनों तुसी कनेडियन नागरिक दसदे हो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर अतवादी एजेंडे लिए कनेडा की धरती की वरतों कर रहा है। इस वीडियो में अतवादियों की वडियाई कर रहे जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय सेना के जनरल पंजाब के मुख्यमंत्री से दिल्ली के संसद मैंबर को भी मारिया। विदेशों में तीन खालिस्तानियों की मौत तो बाद सिख फॉर जस्टिस का मुखी गुरपतवंत सिंह पन्नू हुण मुड़ सुरक्षा एजेंसियों के रडार से आ गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू से पंजाब च 22 अपराधिक मामले दर्ज ने। दूजे पासे टॉप सिक्योरिटी फोर्स की रडार से पन्नू भारत सरकार ने 2020 पन्नू की जायदाद अटैच की। जायदाद यूएपीए तहत अटैच की गई थी। गणतंत्र दिवस मौके लाल किले से झंडा चढ़ाने की घटना उपरांत देश की नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 व्यक्तियों विरुद्ध दोष पत्र दायर किया। इस पन्नू को भी नामजद किया गया। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों लिए नवी पहलकदमियां शुरू की ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत मौके इस हफ्ते किसानों लिए अनगिनत तोहफियां की शुरुआत की। यह भी ऐलान किया गया कि कुछ पुरानी स्कीमों नवे सिर तो लागू किया जाएगा। किसान लोन पोर्टल केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके से नवी दिल्ली में 2 नवे पोर्टल लॉन्च किए। इन किसान लोन पोर्टल है। सरकार ने किसानों को रियायती कर्जे भाव घट ब्याज से कर्जा देने लिए पोर्टल शुरू किया। फिलहाल स्पीड न्यूज बस इना ही। मैं दो इजाजत। धन्यवाद।